अगर सरकार दो बार अनाज नहीं देती तो कितने लोग, कम से कम 20% लोग खाने भी मर जाते। एक आरोप नमक दे रही है उसमें साला पूरा शीशा है, सरकार नमक के रूप में शीशा है साला, क्या देती काबिल हो, हम उसको नमक घोल के पिलाते हो, नमक पी लो मोदी वाला नमक पी लो। क्या किया श्याम बहादुर यादव, इससे पहले वो विधायक थे, पुल जाके देख लीजिए मकसूदिया में, पुल नहीं पुलिया बनाया गया है, और कोई सरकार किसी को नहीं लगता, कोई बता दे ट्रांसफर के लिए या नौकरी के लिए कोई पैसा व्यक्ति दिया हो, कोई बता। हमारा सवाल ये कि आप कह रहे हैं सेठ श्याम बहादुर यादव की माता के खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ, सुनिए सुनिए, मैं मुद्दा नहीं बता रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ, ठीक है ठीक है, मैं ऐसा कैंडिडेट था दूसरे नंबर पे था और वो कट्टा पिस्टल निकलवाए थे, ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल नीति और आज हम आए हैं फूलपुर पोई विधानसभा के अंबारी जगह पे, ये अंबारी का चौराहा है और चौराहे पे अब भीड़ लग चुकी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है चुनाव का, कौन सी पार्टी यहाँ पे जीत रही है, सत्ता किसके हाथ में जाएगी। तो कुछ लोग इकट्ठा हुए, आइए उनसे बातें करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राम आशीष। ये बताइए चुनाव का माहौल चल रहा है, कौन सी पार्टी यहाँ पे जीत रही है? अखिलेश यादव जीत रहे हैं। इसका मतलब यहाँ अंबारी में कुछ दूर पे रमाकांत यादव जी का घर भी है जो इस समय वर्तमान में सपा में चले गए हैं, उनके लड़के जो हैं अरुणकांत यादव विधायक है बीजेपी से। तो क्या दोनों में अगर यहाँ पे रमाकांत यादव को टिकट मिल जाता है वोट नहीं बढ़ जाएगा दोनों? नहीं बढ़ पाएगा दोनों लोग, तो रमाकांत यादव जीत पाएंगे या फिर अरुणकांत यादव जीत जाएंगे अगर दोनों एक ही जगह से लड़ रहे हैं? नहीं, कौन जीत पाएगा? अखिलेश यादव तब ना जीतेंगे जब रमाकांत जीतेंगे यहाँ से। आपको क्या लगता है अगर दोनों रमाकांत यादव जी और अरुणकांत यादव जी आमने सामने होते हैं फूलपुर पोई विधानसभा से, कौन जीत पाएगा? रमाकांत यादव जीत पाएंगे। ये देखिए सपा का गढ़ आजमगढ़ माना जाता है, यादव बहुल एरिया है ये, और भी कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पार्टी यहाँ पे जीत रही है। चाचा क्या नाम है आपका? जोखू यादव। तो चाचा ये बताइए क्या माहौल है चुनाव का? अभी तो टिकट नहीं मिला, क्या चुनाव माहौल, कौन सी तब भी किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए जिस पार्टी जो रहा था उसी सपोर्ट बता रहे, जिस पार्टी का क्या लगता है आपको, योगी जी के काम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं आपको? परेशान जनता है तो अच्छे क्या, कुछ काम अच्छा किया है और सब खराब है। अच्छा काम क्या काम किया योगी जी ने? बहुत कुछ किया है और बहुत ज्यादा खराब किया है। क्या नाम भैया आपका? राम अवतार। तो राम अवतार जी क्या मुद्दे होंगे चुनाव का अंबारी में खासकर? अंबारी में देखिए यहाँ मुद्दा तो बहुत कुछ है और हम लोगों का यहाँ विधायक जी का मतलब अरुणकांत यादव बीजेपी का समर्थन आप कर रहे हैं? यहाँ बीजेपी का नहीं, यहाँ व्यक्तिगत। अच्छा व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामला, उनके पिताजी भी सपा में है। तो क्या आपको लगता है कि अगर फूलपुर पोई विधानसभा से दोनों को टिकट मिलता है, बीजेपी से अरुणकांत यादव जी को और सपा से रमाकांत यादव जी को, कौन सी पार्टी आपको लग रही है? जी हम लोग अरुणकांत यादव जी के साथ रहेंगे जी। अच्छा आपका व्यक्तिगत तौर पे आप देख रहे हैं कि अरुणकांत यादव जी युवा सोच। अच्छा और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दे हैं फूलपुर पोई विधानसभा के अंबारी जगह पे। इस समय हम लोग चौराहे पे खड़े हैं, कैमरा देख के काफी लोग रुक गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रमोद जी बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके एरिया के, कहाँ पे घर है आपका? जी अंबारी में। अच्छा अंबारी में घर है, क्या दिक्कतें यहाँ पे हो रही है पहले तो ये बताइए। दिक्कत सर यहाँ बहुत ज्यादा साढ़ हो गए हैं। और क्या दिक्कतें हैं? बाकी दिक्कत तो कुछ नहीं है सर। अच्छा आपको सांड से दिक्कत है, एक बात बताइए हमको, योगी जी दावा कर रहे हैं गौशालाएं बनाए हैं, गौशाला बनाएंगे नहीं अंबारी में? अंबारी में सांड एक भी नहीं है, आप आगे आ जाइए थोड़ा, सांड एक भी नहीं है पूरी अंबारी ग्राम सभा में और जितनी भी एरिया है यहाँ सांड एक भी नहीं है, यहाँ एक भी नहीं, क्योंकि जो सांड मिलता है वो ब्लॉक पे पहुंचा दिया जाता है। ये तो बता रहे हैं कि सांड की दिक्कत है, सरकार को बदनाम करना है, सरकार को बनना तो कहेंगे कि अंबारी ग्राम सभा की बात कर रहे हैं जहां आप खड़े हैं। ये बाजार में रहते हैं, इनको खेल के बारे में क्या पता। चलिए आप अखिलेश यहाँ कोई भी आएगा यहाँ साइकिल पे ही वोट दिया जाएगा, साइकिल पे वोट दिया जाएगा। मुद्दे क्या होंगे ये भैया बता रहे हैं कि सांड के मुद्दे, ये कह रहे हैं सांड के मुद्दे, कहाँ सांड है, कौन बोलता सांड, ये भैया बता रहे हैं कहाँ करके कोई लेके जाता है ब्लॉक में छोड़ देता है। चलिए दिखाता हूँ आपको कितना सांड है छोड़ते है ना, कोई सरकार तो ला के सांड छोड़ेगी नहीं,
हम अपना कुछ भी हो साइकिल साइकिल कुछ भी छोड़ देते हैं तो परेशानी तो हम ही को होगी। और क्या मुद्दे होंगे सर आपके नजरिए से सरकार की बात करते हैं? अच्छा एक मिनट होना चाहिए, एक मिनट आप रुक जाइए बात कर लें आपसे भी आ जाइए थोड़ा चला जाइए। क्या मुद्दे होंगे आपको लगता है चुनाव के? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं। विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं आपके हिसाब से? विकास जब विकास होगा बेरोजगारी खत्म होगी। इस सरकार में विकास का काम कुछ हद तक हुआ है। महंगाई मुद्दा है? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बाकी जो सरकार से उपेक्षा थी उतनी नहीं हो पाई। बाकी पांच साल में कोई कितना भी, मैं भी ग्राम प्रधान हूँ, पांच साल में आप ग्राम प्रधान है तो पहली बार हुए ग्राम प्रधान आप? मैं पहली बार, इसके पहले बीडीसी था आपकी। अच्छा, किस गांव के आप ग्राम प्रधान? अंबारी। अंबारी के। तो ये बताइए सरकार कुछ रियायत, ये जब से सरकार आई है बेहतर हुआ है प्रधानों के लिए कि कुछ खराब स्थिति हुई? नहीं, स्थिति बहुत अच्छी है और लोगों को ज्यादातर गाँव है ना, यहाँ लोग अनाज के लिए जो तरस रहे थे, अगर सरकार दो बार अनाज नहीं देती तो कितने लोग, कम से कम 20% लोग खाने भी मर जाते। एक आरोप नमक दे रही है उसमें साला पूरा शीशा है, सरकार नमक दे रही है उसमें साला कान देती है वो सरकार। कौन मर रहा है बताइए, कौन मर रहा है बताइए भैया, ये कितना दिन मरे हैं बताओ बताओ भैया, कौन मरा है? कहीं तो प्रूफ मिला नहीं, ये तो कह रहे हैं नमक में प्रूफ कोई है ये नहीं है। अरे बोलने सुन के होता है क्या? नमक दिखाया जाए, नमक दिखाया जाए और तेल दिखाया जाए, क्या उससे कुछ हो जाएगा क्या? कंकड़ है। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग भी कोटेदार के यहाँ बैठ के एक, 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 एक जहाँ तक हम लोग रिपोर्ट वही बोल रहा है भैया, नमक खाने लायक नहीं है। नहीं नहीं, हमारा सवाल प्रधान जी से ये है कि दावे जो हम लोग कई जगह रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कोटेदारों पे आरोप लग रहे हैं कि कोटे में राशन काट लिया जा रहा है, ये सही है आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है भैया, आपके यहाँ होता है? हो रहा है। आप किस ग्राम सभा से हैं? मैं फूलपुर विधानसभा से हूँ और जो है मेरा घर पड़ता है अतनौरा। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, व्यक्तिगत दुश्मन आ जाए। कुछ लोग और हैं, आप बताइए क्या कर रहे हैं अभी आप? पर यूनिट पे किलो राशन काटते हैं कोटेदार, पर यूनिट पे एक किलो, हर जगह का ये हाल है। प्रधान जी तो बता रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। होगा या नहीं होगा वो प्रधान नहीं समझे, उनके यहाँ का आप लोग नहीं जानते। आपका ग्राम सभा कहाँ है? मकसूदिया है। मकसूदिया है, मकसूदिया में ऐसा हो रहा है? हाँ, कभी कंप्लेन वम्प्लेन नहीं किया आपने? बहुत कंप्लेन होता है, क्या करेंगे कंप्लेन, ऐसा कुछ नहीं होगा, कौन सुनेगा। अच्छा चुनाव आ रहा है, क्या मुद्दे होंगे? चुनाव आ रहा है, चुनाव का रोजगार मिलेगा तो वही मुद्दा है, सबको रोजगार मिले। योगी जी तो कह रहे हैं रोजगार तो हमने 4.5 लाख बढ़िया रोजगार दिया, और साल हर को वही रोजगार है और क्या है, पूरा जनता लाठी लेके चले खेत में, रोजगार है वही और क्या, क्या दिए और किसानों की आज दुगनी हुई कि नहीं? क्या दुगनी हुई और कम हो गई, दुगनी कर रहे हैं, कम हो गई, 10 रुपए में 5 रुपए आ गया है। भैया देखिए बता रहे हैं प्रधान जी, ये दावे कर रहे हैं कि योगी जी के दावे सब फेल हैं। जैसे एक सरकार पूरी व्यवस्था नहीं कर सकती जब तक हम और आप सक्षम नहीं। एक मिनट, हमारा एक जी एक सवाल, हाँ हमारे आपकी बात सत्य है, लेकिन जो मोदी जी, एक मिनट मोदी जी दावे करते थे 2014 से पहले, वो दावे तब क्यों करते थे कि ये जब मोदी जी ये बात नहीं जानते सबको तो नौकरी नहीं दे सकते थे, करते थे ना दावे आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, तेल कम कर देंगे, ये दावे अब क्यों फेल हो रहे हैं? एक समय ऐसा था, यही 5-10 साल पहले हर घर में एक मोटरसाइकिल थी, आज जितने लोग हैं उतनी मोटरसाइकिल, एक दावे खरीदते हैं, ₹1 खरीदते हैं, हर का इतनी बढ़िया कर रही है। नहीं नहीं, थोड़ा सा जगह दीजिए कैमरा मैन को। नहीं नहीं, पहले का पेट्रोल 10 रुपए लीटर था, आ जाइए इधर बताइए भैया। हाँ क्या कह रहे हैं आप? उससे पहले का पेट्रोल 10 रुपए लीटर था, पेट्रोल का रेट कितना बढ़ा है आप यही बता दीजिए, हमको महंगाई नहीं आई है। कांग्रेस के एक मिनट भैया, अच्छा प्रधान जी बात कर ले, एक मिनट, कितना चिल्ला ले आएंगे योगी, ठीक है? अरे ये योगी 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 जितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, हाँ जितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, बेरोजगारी है पर भ्रष्टाचार यहाँ से गुंडे माफिया भाग के, गुंडा माफिया यहाँ से भाग खड़े हुए हैं, आएंगे योगी भ्रष्टाचार खत्म हुई बताओ, यार लगाओ तो किसी पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के किसी प्रधान को कोई कमी नहीं है, चाहे जो प्रधान होगा, ठीक है, उसको एक आवाज देना तो 20,000-40,000 लेना,
उसके सारे घाट घाट है। और जो बहुत काबिल हो हम उसको नमक घोल के पिलाते हैं, नमक पी लो मोदी वाला नमक पी लो। क्या क्या कह रहे हैं कि सब दावे फेल है मोदी जी के? ऐसी कोई बात नहीं, जिसको फेल नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट एक मिनट, हम योगी जी की हर सेवाओं से बहुत अच्छे लाभान्वित है। महंगाई मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं आपके लिए। आएंगे योगी जी, ओनली योगी आएंगे जी। 2022 में अखिलेश सरकार या तो करें योगी जी ला रहे हैं। मुझे होटल मत बात करा, यहाँ सब अपने, यहाँ सब अपने, आप अपनी बात रखिए, किसी व्यक्तिगत मत हो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई यहाँ मार झगड़ा नहीं, मार झगड़ा कहाँ करेंगे आप लोग, आपस में रहिए हम बारे में। ये तो अपनी व्यक्तिगत, इनको पार्टी अच्छी लग रही है, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। कांत यादव जिंदाबाद, और यहाँ से अरुण कांत यादव विधायक होंगे, ये 100% तय है। श्याम बहादुर यादव के जगह जगह दौड़ने से कुछ नहीं होता। आपको देखना, मैं भी प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ, ठीक है। आप फूलपुर में चलिए, ट्रामा सेंटर श्याम बहादुर यादव ने उद्घाटन कराया था, पर ट्रामा सेंटर नहीं बन पाया और उनके स्कूल का उद्घाटन हो गया। स्कूल में वो पैसा कमाने का सिस्टम तय हो गया। क्या किया श्याम बहादुर यादव? इससे पहले वो विधायक थे। पुल जाके देख लीजिए मकसूदिया में, पुल नहीं पुलिया बनाया गया है, और आप खुद जाके देख लीजिए, पुल ऐसा नहीं बनता है। जो पुराना पुल है वो ऊपर है, जो नया पुल है वो नीचे है, ये सिस्टम होता है। सिर्फ पैसा उन्होंने खाया और कुछ नहीं किया है। ओनली योगी जी, बस आएंगे योगी जी। अरुण विधायक जी ने पूरे विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में वो 300 400 500 मीटर रोड ला दिए, ये सबसे बड़ी उपलब्धता है। कोई रोज आपके घर आके बैठे, इससे नहीं मतलब है। विधायक हो या सांसद हो, अपने घर तो दे रहा है, तो दे रहा है क्या? नहीं, हमारा मुद्दा ये था कि एक मिनट, घर भैया भैया कोई घर से नहीं देगा, हमारा सवाल से ला के देना। वो भी लोग नहीं कर पाते हैं, कोई नहीं दे रहा है, भी नहीं कर पाते हैं लोग, बोल रहा हूँ वो भी सरकार से लाना भी ना पड़े, ये सोचते हैं। चार पांच बार सवाल पे आइए, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। बाकी भैया उसका सब हल सरकार नहीं दे पाएगी, उसका चुनाव का नहीं है, दो महीने तीन महीने तभी खत्म होगा जब हम काम करेंगे, हम कोई बिजनेस करेंगे, ठीक है, तभी होगा। तो एक मिनट, सरकार में कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना था, आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी थोड़ी ना था भाई, वर्क करता था और उसको नौकरी जॉब मिलता था। मेहनत करिए, और मेहनत करने के बदौलत पड़ेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा। मेरे रिलेशन में तीन तीन लड़कियां आईएएस अधिकारी में, तीन तीन लड़कियां, ठीक है, उन्होंने मेहनत किया तब, और वो भी बीजेपी सरकार में, ठीक है। नौकरी पहले पैसे से नौकरी मिलती थी, अब फ्री में नौकरी कोई बता दे, व्यक्ति कोई सरकारी किसी को नहीं लगता, कोई बता दे ट्रांसफर के लिए या नौकरी के लिए कोई पैसा व्यक्ति दिया हो, कोई बता। हमारा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं, आदमी मैं बता सकता हूँ, बगल का 3 लाख देकर सिपाही हुआ बेचारा, बलराम लिए थे। हमारी बतिया सुन लीजिए, समाजवादी सरकार की बात है। जी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यही से बहादुर जी, यही से फूलपुर में दलाली लेते थे, सही बात है। मैं खुद पुलिस से मैं एक मिनट मैं दलाली नहीं लेता, मैं उनके भैया 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 आपके पास भी आ रहे हैं। मैं श्याम बहादुर यादव की माता के खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ, कौन नहीं लेता? अजय सेठ, कौन विधायक? पहले मेरी बात सुनो, मैं अजय सेठ श्याम बहादुर यादव की माता के खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ। सुनिए, मैं मुद्दे की नहीं बता रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं ऐसा कैंडिडेट था, दूसरे नंबर पे था, और वो कट्टा पिस्टल निकलवाए थे, ठीक है, इस बंदे को हराने के लिए, और उनको मैं अवकाश दिला दिया, इतना आप जान लीजिए। प्रधान पद के प्रत्याशी, प्रधान पद के प्रत्याशी था, दूसरे नंबर पे था, और उनकी माता के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा था। कभी सुनिए, कभी ना उनका पोस्टर नहीं लगता था, कभी उनका पोस्टर नहीं लगता था। आप फूलपुर में जाके पता करिए, इस बार उनका पोस्टर लगा। और भी कुछ लोग, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? अरुण कांत यादव जिंदाबाद, बता रहे आपका बात भाई। यहाँ तो साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी, साइकिल कहाँ चल रही है, नहीं जाएगा ये महंगाई बेचरम सीमा, महंगाई चरम सीमा जा रहे हैं। लोग जो है बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दावे हैं,
साइकिल चल रही है भैया आपको कौन ये दोबारा योगी जीत रहे हैं क्यों बहुत अच्छा विकास ही है योगी इसलिए अच्छा विकास ही है एक मिनट झगड़ा मत करिए बात कर लेंगे अच्छा ये था आरोप और प्रत्यारोप का दौर अभी अभी चालू था लोग दावे कर रहे हैं कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी आप देख रहे हैं इसी बीच खेल नीति चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा धन्यवाद।